तो पब्लिक डिमांड पे और ऑब्वियसली व्यूज के लिए आज मैं और मेरी दोस्त मिलकर लाए हैं टॉप 10 मेरे देखे हुए एडल्ट एची एनिमेस जो तुम्हें अपने घर के कोने में बैठ के हेडफोन लगा के देखने होंगे। और इस वीडियो में हम पॉपुलर एनिमेस जैसे हाई स्कूल DxD को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो फिर एंजॉय द वीडियो। हमारे लिस्ट में नंबर 10 पे आता है शिमोनेटा, एक ऐसा एनिमे जहाँ पर टेरेश सिर पे चड्डी पहन के दहशत फैलाते हैं। क्या बोला तूने? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, जो इस एनिमे का स्टोरी लाइन भी है। अगर एडल्ट एनिमे के फैन हो तो इस टाइप के सीरीज को बिल्कुल भी मत मिस करना। उसके बाद नंबर 9 पे है द टेस्टामेंट ऑफ सिस्टर डेविल। इमेजिन करो कि तुम घर आओ और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पापा ने अब दो हॉट लड़कियों को अडॉप्ट किया है। हाँ, दो हॉट लड़कियों को, और अब वो तुम्हारी बहन है और उनके खुद के राज है। और ये सीरीज इस टाइप की स्टोरी को फॉलो करती है। अगर तुम्हें अभी तक ये सीरीज नहीं देखा तो भाई तुम लोग तो स्वर्ग में जाओगे। नंबर 8 पे जो सीरीज आता है उसका नाम है सेकिरेई। क्या होगा लड़को अगर तुम किसी लड़की का सुपर पावर उससे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करने से बड़ा पाओ तो? हाँ लड़को, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। इस सीरीज का मेन हीरो कॉलेज एग्जाम्स में बार बार फेल होने के बाद अचानक एक लड़की से मिलता है और जो हीरो को एक आशिका भी बुलाती है। आशिका भी जो कि हीरो का एक डेस्टिनी है, लड़की को सुपर पावर्स बढ़ाना, वो भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। नंबर 7 पे जो सीरीज है उसका नाम है व्हाई द हेल आर यू हेयर टीचर। क्या होगा अगर तुम अपने आप को एक ऐसे इरोटिक सिचुएशन में पाओ, वो भी अपने हॉट फीमेल टीचर्स के साथ। एनिमे कुछ ऐसे टाइप के ही स्टोरी लाइन को फॉलो करती है जहां हमारा हाई स्कूल बॉय अपने टीचर के साथ ऐसे गुलू गुलू सिचुएशन में फंस जाता है। Nice. नेक्स्ट नंबर 6 पे सीरीज का नाम है वर्ल्ड्स एंड हारेम। इस सीरीज का स्टोरी लाइन एक एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में है जहां एक वायरस की वजह से पूरा मेल पॉपुलेशन अब खत्म हो गया है। जो भी बच गए हैं गिने चुने लड़के, जिन्हें अब पॉपुलेशन बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब पॉपुलेशन बढ़ाने की प्रोसेस तो तुम्हें पता ही होगी। ओह गॉड, एक बार दिला दे। नंबर 5 पे सीरीज का नाम है वर्मेलिन गोल्ड। क्या हो अगर तुम एक हॉट लड़की, वो भी ऊपर से एक डेविल को अचानक से अपना फेमिलियर बना लो? वेल, सुन के मजा आया ना। ये सीरीज कुछ ऐसे टाइप के स्टोरी लाइन को फॉलो करती है जहां मेन कैरेक्टर एक हॉट फीमेल डेविल को अपना फेमिलियर बना लेता है। मजा आया। अगर इस न्यू कॉन्सेप्ट के सीरीज को भी तुमने पहले नहीं देखा है तो फिर अभी आज जाके चेकआउट कर लो। नंबर 4 पे आता है मॉन्स्टर म्यूजियम। इस सीरीज की स्टोरी एक यंग स्टूडेंट को फॉलो करता है जो कि ना चाहते हुए भी ऐसे लड़कियों को अपने घर में रहने देता है जो कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल्स है। हाँ, तुम ठीक सुन रहे हो, हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल्स। लेकिन वो इन हॉट लड़कियों के साथ बिना रोमांटिक और बिना सेक्सुअल है क्या रह पाएगा? ये तुम लोग सीरीज में देखना। अब हम हमारे टॉप 3 कैंडिडेट्स पर पहुंच गए हैं, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और अपना फेवरेट सीरीज कमेंट में बताओ। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 3 पे आता है प्रिजन स्कूल। ये सीरीज एक 2015 एडल्ट कॉमेडी क्लासिक है जहां एक ऑल गर्ल्स हाई स्कूल अब कोएड बन गया है और जहां हमारा हीरो और उसके दोस्त पकड़े जाते हैं लड़कियों के बाथरूम में झांकने के लिए और उन्हें प्रिजन स्कूल में भेज दिया जाता है पनिशमेंट के लिए। लेकिन वहां जाके ये लड़के लोग जो जो कांड करते हैं वो तुम डायरेक्ट जाके सीरीज में चेकआउट करना। नंबर 2 पे सीरीज का नाम है डीमन किंग डायमाओ। इस सीरीज में मेन हीरो एक मैजिकल एकेडमी में पढ़ने जाता है, लेकिन वहाँ का एप्टीट्यूड टेस्ट उसे फ्यूचर का डीमन किंग बता देता है, जिसकी वजह से स्टोरी में बहुत लड़कियाँ उसके पीछे पड़ जाती हैं, जिसमें तुम्हें मजे के साथ साथ बहुत कुछ देखने मिलेगा। नंबर 1 पे जो सीरीज है उस सीरीज का नाम है माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड इज ए गर्ल। क्या हो अगर तुम अपना वर्जिनिटी तोड़ने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाओ कि अपने क्लास की सबसे ज़्यादा हॉट लड़की को प्रपोज कर बैठो और किसी तरह तुम्हारा लक भी चल जाए और तुम दोनों कपल बन जाओ? ये सीरीज इसी टाइप के स्टोरी लाइन को फॉलो करती है। तो ये थी मेरी 10 एडल्ट एनिमे की लिस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, वापस आऊँगा नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।